हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर टू, शेप्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास फिफ्थ. इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर शेप्स, एंगल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. नाउ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस पार्ट, मैचस्टिक पजल, हाउ टू मेक एन एंगल टेस्टर and find angles in Sukma's picture. Now come to the first topic, mastic puzzle. Here we have three question, we can say three puzzle. Now the let's see, make eight triangles using six mastics. मीन्स आपको सिक्स मैस्टिक का यूज करके उसमें एट ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं. कैसे करोगे आप उसमें फाइंड, एनी आइडिया? लेट्स सी, हियर आई हैव टेकन सिक्स मैस्टिक्स, हियर आई हैव टेकन सिक्स मैस्टिक एज यू कैन सी. अब मैं इन सिक्स मैस्टिक्स में से थ्री मैस्टिक उठाकर ट्राइंगल बनाऊंगे, थ्री मैस्टिक से ट्राइंगल बनाऊंगे. ओके, अब हमें सिक्स मैस्टिक, सारी मैस्टिक यूज करनी है, तो अब मैं क्या करूंगी, बाकी की जो थ्री मैस्टिक्स हैं उससे फिर से एक ट्राइंगल बनाऊंगी. अब मैंने सिक्स मैस्टिक का यूज करके एक स्टार शेप बनाया. अब इसमें हमें कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे, चलो देखते हैं. वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, सिक्स. हमें यहाँ पर सिक्स स्मॉल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं एंड टू बिग ट्राइंगल्स मिल रहे हैं. ओके, मतलब टोटल एट ट्राइंगल्स मिल रहे हैं. नाउ फर्स्ट पजल इज क्लियर. सेकेंड, टेक एट मैस्टिक्स एंड मेक अ फिस्ट लाइक दिस. Now pick up any three mastics and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. Okay? आपको eight mastics से ऐसी fish ready करनी है, फिर आपको उसमें three mastic उठाकर इस way में लगाना है कि उसकी swimming की direction change हो जाए, मतलब उसकी opposite direction होनी चाहिए. यहाँ पर मैंने एट मैस्टिक का यूज करके एक फिश रेडी की है. अब मैं यहाँ पर थ्री मैस्टिक उठाकर उसके डायरेक्शन चेंज करूँगी. टू एंड थ्री. ओके, अब इस फिश के डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, यूजिंग 10 मैस्टिक्स मेक दिस शेप. पिक अप 5 मैस्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ हाउस. मीन्स आपको 10 मैस्टिक का यूज करके एक ऐसा शेप रेडी करना है, फिर उसमें से 5 मैस्टिक उठाकर इस वे में लगाना है कि आपको एक हाउस का शेप मिले. अब मैंने यहाँ पर 10 मैस्टिक यूज करके ये शेप बनाया है. अब मैं इसमें से 5 मैस्टिक हटाकर इस वे में लगाऊंगी, ये शेप चेंज होकर हाउस के शेप में चेंज होगा. तो किस तरह से करेंगे, इसको मैंने ऐसे लगाया, अब ये उठाकर ऐसे लगाया, थर्ड मैस्टिक उठाकर इस तरह से लगाएं. ओके, फोर एंड फाइव. मैंने 5 मैस्टिक को इस वे में लगाया उठाकर कि वो शेप चेंज होकर एक हाउस के शेप में चेंज हो गया. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज एंगल टेस्टर. हियर आर टू गर्ल्स, आई थिंक रोहिणी एंड शेला. रोहिणी यहाँ पर क्या बोल रही है, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, द
Then Sela is replying, let us make an anger taster. You also have an angle taster in your geometry box. It is a cold divider. We have many tools in our geometry box. Okay, here cut two strips from a cardboard sheet. Fix them with a drawing pin or such that both the strips can move around easily. Here is the picture have that how you will make it okay using a cardboard sheet. Now Rohini and Mohini went all around with the angle taster to look for different angles in their class. Yes, in your classroom you see the windows, doors, blackboards, green boards, books, okay? It has different types of angles. Now Rohini tested the angle of the maths book and the pencil box. Matlab Rohini apni maths books ko angle tester se uska angle test kar rahi hai ki kaise wo uska angle kya hai. Look at the tester, it has opened like the लेटर एल. जो उसकी मैथ्स बुक है उसने उसको उसका एंगल देखा तो कुछ उससे एल शेप मिला. एल शेप मतलब हमने पढ़ा था कि एल शेप में कौन सा एंगल होता है, तो राइट एंगल. दिस इज अ राइट एंगल, वी राइट इट एज एल. मतलब राइट एंगल को हम एल शेप, एल शेप में हमें कौन सा एंगल मिलता है, राइट एंगल. नाउ हियर वी हैव प्रैक्टिस टाइम. हियर वी हैव पिक्चर्स. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है. देखो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, सीजर की. एंड सेकेंड पिक्चर पर्सन. एंड थर्ड काइट. एंड फोर्थ पिक्चर किसकी है, टूल की है. एंड फिफ्थ पिक्चर सिग्नल बोर्ड की है. अब इन पिक्चर में आप देखो यहाँ पर एंगल मार्क किए हुए हैं. अब आपको बताना है कि वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है या मोर देन अ राइट एंगल है या लेस देन अ राइट एंगल है. मीन्स राइट एंगल्स मीन्स मैंने आपको बताया था अगर एल शेप हो तो राइट एंगल होता है. एंड लेस देन राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का है ना. लेस देन 90 हो तो एक्यूट एंगल. एंड मोर देन 90 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सीजर में हमें कौन सा एंगल मिलेगा, तो देखो यहाँ पर मैंने एल शेप बनाया. एल शेप में ये कौन सा एंगल 90 से कम होगा, मीन्स हमें लेस देन अ राइट एंगल. ओके, तो हम कहाँ पर टिक करेंगे, लेस देन अ राइट एंगल. अब सेकेंड पिक्चर में देखो यहाँ पर एक एंगल मार्क किया हुआ है, तो अब ये कौन सा एंगल होगा, आप देखकर बता सकते हो कौन सा एंगल होगा. तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर भी एक एल शेप मिल रहा है ना. यहाँ पर देखो एल शेप मिल रहा है, मीन्स ये कौन सा एंगल होगा, तो राइट एंगल. नाउ थर्ड पिक्चर किसकी है, यहाँ पर देखो काइट की पिक्चर है. और यहाँ पर एंगल कहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एल शेप है या लेस देन 90 है या मोर देन 90. ओके, तो आप देखो यहाँ पर भी हमें एक एल शेप मिल रहा है. ठीक है, इस तरह से एक शेप मिल रहा है, एल शेप. एल शेप मीन्स ये भी कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल. अब फोर्थ पिक्चर हमें टूल की दी हुई है और यहाँ पर एंगल कहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ पर. अब यहाँ पर देखो हमें एंगल जहाँ मार्क किया हुआ है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये कौन सा एंगल होगा, मोर देन अ राइट एंगल. ओके, नाउ फिफ्थ हमें एक साइन बोर्ड दिया हुआ है, वहाँ पर कहाँ, यहाँ पर देखो एंगल मार्क कहाँ किया हुआ है, यहाँ पर. यहाँ पर
कौन सा एंगल मिलेगा? तो ये भी मोर देन अ राइट एंगल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सुखमान मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स. ओके, हियर वी हैव मैनी एंगल्स. मीन्स सुखमान ने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है, उसमें बहुत सारे एंगल्स है. ओके, नाउ यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर. राइट एंगल्स जितने हो इस पिक्चर में उसमें हमें ब्लैक कलर करना है. एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल विथ ग्रीन. राइट एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल हो उसमें हमें ग्रीन करना है. एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल विथ ब्लू. लेस देन राइट एंगल हो तो ब्लू कलर करना है. ओके, नाउ हम इस पिक्चर में राइट एंगल फाइंड करते हैं कि राइट एंगल कहाँ पर है. अब इसमें राइट एंगल्स कहाँ कहाँ पर है, तो देखो एक राइट एंगल यहाँ पर है, तो आप इसमें कौन सा कलर करोगे? ब्लैक कलर. ओके, एंड सेकेंड राइट एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर. ओके, थर्ड राइट एंगल एंड फोर्थ राइट एंगल. ओके, इसमें और राइट एंगल्स है? यस, यहाँ पर इसकी कैप में एक राइट एंगल है. जहां पर भी आपको राइट एंगल्स दिख रहे हैं वहां पर आप ब्लैक कलर करोगे. एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल विथ ग्रीन. अब इस पिक्चर में आपको मोर देन अ राइट एंगल देखे उसमें आपको ग्रीन कलर करना है. ओके, तो इसमें कहां पर ग्रेटर देन 90 एंगल है, तो यहां पर देखो फर्स्ट यहां पर आपको मोर देन अ राइट एंगल मिल रहा है. ओके, सेकेंड यहाँ पर ग्रीन कलर करना है एंड थर्ड मोर देन अ राइट एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर करोगे. फोर्थ यहाँ पर, मतलब इस पिक्चर में आपको जहाँ पर भी मोर देन अ राइट एंगल दिखेगा वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल्स विथ ब्लू. मीन्स लेस देन अ राइट एंगल्स में आपको क्या कलर करना है? ब्लू कलर. ओके, तो इसमें लेस देन राइट एंगल्स कितने हैं? तो देखो ये सारे एंगल्स लेस देन राइट एंगल है. ओके, उसके अलावा आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर भी लेस देन राइट एंगल है. ये सारे एंगल्स लेस देन राइट एंगल है. इसमें सब में आप कौन से कलर करोगे? ब्लू कलर. ओके, यहाँ पर देखो ये एंगल भी लेस देन राइट एंगल है, तो इन सब में ब्लू कलर करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन. ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज. द फर्स्ट वन इज डन. ओके, हियर इज द पिक्चर ऑफ क्रोकोडाइल एंड हियर इज एन एंगल, इट इज लेस देन अ राइट एंगल. एंड नाउ द सेकेंड वन इज इट इज इन शेप ऑफ एल. देखो यहाँ पर कौन सा शेप है? एल शेप. इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल. यू कैन ड्रॉ एनी वन पिक्चर एज योर विश. नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ एल. इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल. नाउ फोर्थ इज इट इज अ मोर देन अ राइट एंगल. सो इट विल बी मोर देन अ राइट एंगल. ओके, दिस वन इज द लेस देन ऑफ राइट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ लेस देन राइट एंगल. नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर. ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ.